vaya, vamos a hacer. Sarkana, hatkara se ve mago. अरे थम ना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने भी एक सांप को देखा है और जहाँ तक मैंने मेरा ख्याल है कि वो रैट स्नेक है, साइज भी काफी बड़ी है, तो उसको बाहर निकालने के बाद इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ आपको। पहले दिखा देता हूँ कि सांप किस हद तक जा सकता है, आप देख सकते हो, कभी घर में, कभी छत के ऊपर, कभी गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे ये बैठा हुआ है। तो ये रैट स्नेक है, काफी बड़ा साइज है इसका। तो पहले हम लोग इसको सही सलामत जो रेस्क्यू करेंगे। पीछे ऑटो शोर कम करो, बाहर वाला काल ले सगला था आपको, बाहर शांत बाहर हो, बाहर ए लाल से गोल मिनट काल को उतले भाई, आवाज कमी करा, आवाज कमी करा, बाहर जा, सगला बाहर शांत सगले बाहर जाओ, काट लो आपको तो सगला बाहर जाओ, जो कैसे वो ताकि तरह को काटे दो निघणार नाही तो आवाज कमी करा ना, वा बाहेर सगळी आतमधी का जागा दिसते का बघा, आतमधी जाऊन ते आतमध्ये लक्ष अंदर दिसता का पुष्प, नाही का बघ ना, पलीकडून पलीकडून बावड्या, पलीकडून बघ ना तिथं खाली खाली येतोय वाटतं, पलीकडनं जायला लागेल दर बरं इथे लाईव्ह इकडे की सांप जो है जब डर जाता है तो किस हद तक जा सकता है, और कई बार मैंने अलग अलग एरिया से जो है आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर जो फंसा हुआ है, और हम लोग इसको जो है ताकत नहीं लगा सकते, क्योंकि ताकत लगाने से इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी जो रीढ़ की हड्डी इसकी ये टूट सकती है। और हर बार मैं जिक्र करता हूँ कि सांपों में हड्डी नहीं होती, लेकिन उसके अंदर एक कॉमन हड्डी होती है जो रीढ़ की हड्डी, बाकी इसमें हड्डियाँ नहीं होती। और इस बार इस वजह से मैं आपको बताता हूँ कि सांप जो है वो दूध पीता नहीं है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता हूँ मैं, लेकिन पहले कोशिश करें इसको सही तरीके से बाहर निकलने खालून चेक करना है, ते बाबा चेहरा है उसने आगे एक इंजन के अंदर फंसा के रखा हुआ है, और जिसकी वजह से हम लोग उसको खींच नहीं सकते। प्रॉब्लम ये क्योंकि उसको हमको सेफ तरीके से पकड़ना पड़ता है, अगर कोई सांप अगर जख्मी होता है तो जख्मी होने के बाद उसकी जो लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि जख्म होने के बाद उसको चींटी वगैरह या दूसरे कीड़े वगैरह खाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो महीने डेढ़ महीने में मर सकता है, क्योंकि भगवान ने उसको बाकी जानवरों की तरह जो है जीव नहीं दी,
जिसकी वजह से वो अपने आप को चाट कर साफ सफाई कर सके, इसकी वजह से हमको उसको प्यार से धीरे धीरे उसको बाहर निकाल कर हैंडल करना पड़ता ताकि वो जख्मी ना हो। इसकी वजह से हम लोग ताकत नहीं लगा रहे, उसका चेहरा जो है वो अंदर है, बॉडी तो आ चुकी है उसकी काफी बार, अब देखते हैं कोशिश जारी। आपने देखा कि इसको हमने रेस्क्यू किया, ये है रेड स्नेक, इसको धामन बोलते हैं। हर बार आपको वीडियो में उसका जिक्र करता हूँ और इसकी पहचान हर बार आपको मैंने वीडियो में बताई है। और ये अभी आवाज कम करो, इसका जो निचला भाग होता है वो पूरा पीला होता है, ऊपर के भाग के ऊपर इसके हल्का सा ब्राउन कलर और इसके ऊपर ब्लैक कलर की पूरी लाइनिंग होती है पूरे शरीर में, आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हो, आप देख सकते हो कि इसके शरीर के ऊपर पूरा ब्लैक कलर की लाइनिंग्स होती है, ये देखो ये पूरे ब्लैक कलर की लाइनिंग्स होती है, ब्राउन कलर या कभी कभी लाइट येलो, नीचे का भाग जो इसका पीला होता है। और इसके चेहरे के बारे में हर बार आपको मैंने बताया कि इसका जो चेहरा है, चेहरे के नीचे इसके ब्लैक कलर की लाइनिंग्स होती है, आपको दिखाता हूँ नजदीक से दिखाई। इसके आप चेहरे में देख सकते हो, चेहरे के नीचे ब्लैक कलर की टाइगर की तरह लाइनिंग्स होती है। तो ये धामन साहब है, ये नॉन पॉइजनस, इसके अंदर 1% भी जहर नहीं होता। और अगर इसने बाई चांस गलती से किसी को काट भी लिया तो इससे नुकसान कुछ नहीं होता, अगर थोड़ा जोर से काट लिया तो हमको सिर्फ क्या करना है, सरकारी हॉस्पिटल में जाके एक टीटी का इंजेक्शन लेना है, बाकी इसका कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन सांप है, ये चूहा खाने के लिए आता है और आपके घर के आसपास कभी दिखता है तो कोई सर जो सांप जब आपको घर के आसपास दिखाई देता है और आपने इसको पहचान लिया कि ये धामन सांप है तो सर मित्र को बुलाने की आपको जरूरत नहीं है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो घर के अंदर आ जाता है या तो जब आपको ये सांप जब आपको घर के आसपास दिखाई देता है तो आपको सर मित्र को बुलाने की जरूरत नहीं है। जब आपने इसको पहचान लिया, धामन सांप है, ये सबसे कॉमन सांप है, ये किसी का नुकसान करता नहीं है, ये किसी का अनाज लूटता नहीं है, बल्कि जो अनाज लूटने वाले चूहे है ये उनको खाने के लिए आता है। और चूहे जो है साल में कम से कम 250 से 300 बच्चे देते हैं, ये ध्यान में रखो, चूहों की आबादी सबसे ज्यादा है, साल में 300 बच्चे देते चूहे। तो ये चूहों को खाता है और ये खा के जो है हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस बना के रखता है। तो लोग क्या करते हैं, इसके सांप को इसकी हरकतें देखकर और इसके साइज को देखकर डरते हैं और डर के इसको मार देते हैं। बहुत लोग इसको कोबरा समझते हैं नाग, तो सांप कोई भी हो उसको मारना नहीं, नजर बना के रखो, कोई भी सर मित्र को कॉल करो, वो 10 से 15 मिनट में आपके पास आ जाएगा। तो फिलहाल तो ये मैंने जो पकड़ा है रैक्स के धामन नॉन पॉइजन है, इसके अंदर कोई जहर नहीं होता, इसकी पूंछ में कोई काटा नहीं होता, ये किसी को कोई पूंछ मारता नहीं है, ये किसी की भैंस के जो कुछ लोग होते हैं भैंस के पांव को लपट कर उसको दूध पी लेता है, तो दूध का सांप से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। ये इसके बारे में जो भी समान विश्वास है, जैसे बाकी एक प्राणी है पशु पक्षी है उसी तरह ये भी एक प्राणी है, ये खाने की तलाश में आ जाता है और इंसान इसको देख लेते हैं, इंसान उसको डरता है वो इंसान को डरता है। तो इसको एक बार वापिस आपको नजदीक से दिखा लेता हूँ, देख लिया धामन साहब, इसको अच्छी तरह पहचान लो, इसके शरीर पे पूरे ब्लैक कलर की लाइनिंग्स होती है, देखो ये पूरे लाइनिंग्स है, निचला हिस्सा इसका थोड़ा सा येलो, कभी कभी येलो और हल्का सा व्हाइटिश होता है। इसके चेहरे के नीचे देखो आप, चेहरे के नीचे ब्लैक कलर की लाइनिंग्स आपको दिखाई देगी, चेहरा एकदम जरूर गया दिखते का चेहरा व्यवस्थित, चेहरा चेहरे का चेहरा का तो आप इसके चेहरे को देखो एकदम जरूर गया, ये जवर ये क्या नहीं करते पकड़ लो, इसके चेहरे को देखना है, इसके चेहरे के नीचे हमेशा आपको लाइनिंग्स दिखा देंगे आसपास और गर्दन के नीचे, और इसकी पूंछ को भी देखना है, ये पूंछ इसकी जालीदार पूंछ, तो समझ जाना है धामन साहब है। तो इसको देखकर डरना नहीं, घबराना नहीं है, ये नुकसान नहीं करता किसी का, और गलती से काट भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा जोर से काटो तो टीटी का इंजेक्शन नहीं, बस इसी तरह नजर बना के रखो। और ऐसे ही बेजुबान जानवर को हम लोग पकड़ेंगे और हम लोग इसको नेचर में छोड़ देते हैं, बस इतना ध्यान में रखना है और कोई भी सांप को मारना नहीं है, ये किसी का नुकसान करता नहीं है, ये सिर्फ खाने पीने की तलाश में आता है, इसको अच्छे से पहचान लो बस इतना, इसको सिर्फ देख लो, ये एकदम कॉमन है, ये आज पकड़ा तो कल फिर दिखेगा, परसों फिर दिखेगा, तो इसको देख के डरना नहीं है, ये घबराएगा तो काटेगा, सांप कोई भी रहेगा तो वो घबराएगा तो वो जोर से काटता है, बस इतना ध्यान में रखना। इसका साइज को देख के लोग डरते हैं, उसको देख के डरना नहीं है, सांप ये दुनिया का कितने भी जहरीला सांप है जब तक आप उससे डिस्टेंस बना के रखेंगे तब तक वो कोई सांप किसी को काटता नहीं, जब उसको जबरदस्ती पकड़ेंगे तो वो काटेगा, ये ध्यान में रखना। अभी इसको गलत किसी ने हाथ लगा तो ये काटेगा, इसके मुंह में कम से कम 80 दांत रहते हैं छोटे छोटे, कभी कभी दांत हाथ के अंदर भी गड़ जाते हैं इतना जोर से काटता है वो।
इसकी वजह से जब मैं किसी को बताता हूँ तो नजदीक आना नहीं, उसको पकड़ने की कोशिश करनी नहीं किसी ने। वो घबराता है, वो हमसे घबराता है, हम उसको घबराते हैं। उसको चोट लगी है लगा।